हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए एक और नई औषधि, एक जड़ी बूटी आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, रोगों से मुक्त करने के लिए, और आपका जीवन सुखद हो, आनंदमय हो, रोगों से मुक्त हो, इस पवित्र भावना और पवित्र संकल्प को लेकर के श्रद्धे स्वामी रामदेव जी महाराज का स्वस्थ विश्व, समृद्ध विश्व, स्वस्थ भारत और सुखी भारत, इसी संवेदना के साथ। आयुर्वेद के दूसरे नामों में काफ़ी कुछ भ्रम हैं, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा आपको सभी नामों से मैं आपका परिचय कराऊं। आज हम बात करने जा रहे हैं कलंचो पिन्नाटा के विषय में। कलंचो पिन्नाटा यह इसका बॉटनिकल नाम है। इसको हिंदी में जख्मे हयात बोलते हैं। जख्मे हयात हिंदी का शुद्ध नाम है। संस्कृत में इसको पर्ण बीज बोलते हैं, पर्ण बीज, और इसको हेमसागर भी कहा जाता है, और सामान्य भाषा में इसको पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। हालांकि पत्थर चट्टा पाषाण भेद को बोलते हैं, वह एक दूसरी औषधि होती है, फिर भी सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको हम पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसका नाम है पर्ण बीज या हेमसागर। यह वास्तव में आयुर्वेद की एक बहुत ही दिव्य औषधि है पथरी के लिए। पथरी के लिए बहुत कष्टप्रद अवस्था होती है जब पथरी होती है, और हमने देखा है अभी कई बार इस हरिद्वार के क्षेत्र में भी पथरी होने की ज़्यादा संभावना है। कई क्षेत्र ऐसे हैं देश के जहां पर पथरी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, उन सब के लिए यह हेमसागर वास्तव में उनके कल्याण करने के लिए एक यह दिव्य औषधि है। इसमें दो प्रजातियाँ हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो पौधा है उस पौधे में ये एक पत्ते के अंदर तीन तीन पत्तियाँ भी हैं, जिससे इसमें आप देख पा रहे हैं, और किसी में एक पत्ते के अंदर एक ही पत्ते आता है। ये अलग नहीं है, ये एक ही तरह का है। ये प्रकृति की कुछ बड़ी विचित्र लीला है कि एक ही पौधे में आप देख पा रहे हैं ये कमाल की चीज़ कि एक पत्ते में तीन पत्ते भी हैं और एक पत्ते में एक पत्ती भी है, एक ही पौधे के अंदर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसमें तीन पत्तियां हैं और इसमें एक पत्ती है, तो ये तो प्रभु की लीला है। देखिए एक पौधा इसी में से निकला हुआ है, इसमें तो ये तीन पत्तियां हैं और एक पौधा ऐसा भी है जिसमें सिर्फ सिंगल पत्तियां हैं, हालांकि यह एक ही तरह का पौधा है। और इस पौधे को प्रायः आजकल लोग ऑर्नामेंटल पौधों के साथ में, जो घर आंगन में सिर्फ अपने सुंदरता को बढ़ाने वाले पौधे हैं, उन पौधों के साथ में इसको लगाते हैं। यह बहुत ही अच्छा पौधा है क्योंकि 12 महीना हरा भरा रहता है और वर्ष में एक बार इसमें इतने सुंदर फूल आते हैं, इसके अंदर देखने में इतनी सुंदरता होती है कि मन को यह फूल, यह पुष्प मोह लेते हैं। तो आइए इसको हम घर में लगाएं, और एक बार लगने के बाद में इसकी कमाल की बात यह है कि यदि इस पत्ती को भी यदि आप गाड़ देते हैं, इस पत्ती में से फूट फूट करके दूसरे भी पौधे तैयार हो जाते हैं। हालांकि इसमें एक और प्रजाति है, वो हमारे पास है, आप देख पा रहे हैं ये दूसरी प्रजाति, इसमें भी आप देखेंगे कमाल कि इसके अंदर इस पत्ती के में से ही पौधे बनने शुरू हो जाते हैं। ये एक पत्तियां हैं, इस पत्ती में ही आप देख रहे हैं कि इतने सारे पौधे तैयार हो गए हैं। तो ये जो पौधे हैं पथरी के लिए, ये उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि ये वाला पौधा प्रभावशाली है। इसकी दो चार प्रजातियाँ और भी पाई जाती हैं। आजकल ऑर्नामेंटली इसको विविध कलर के फूल वाले के रूप में लोगों ने तैयार किया हुआ है, पर उसमें जो प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध है ये वाला जो पौधा है, इसका आप ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं अपने रोगों के लिए। घर की सुंदरता को भी बढ़ाने के लिए अच्छा है, साथ ही रोगों से मुक्ति के लिए। और ये ऐसा पौधा है कि यदि बहुत तपती हुई जो गर्मी है, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर के और पहाड़ के 5-6 हज़ार हाइट तक के जो स्थान है उसमें भी यह पौधा होता है, और यह विविध रोगों में इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो जिन बच्चों का कान बहता हो या कान में दर्द हो, इसका पीला पत्ता आप देख पा रहे हैं, जैसे ये बिल्कुल पक गए हैं। ये पत्ते को आप यदि थोड़ा गर्म कर करके यदि निचोड़ करके कान में डाल देते हैं तो कर्णस्राव, कान का बहना, और जिनके कान में दर्द है उसमें, दोनों ही स्थिति में ये बहुत ही लाभकारी है। यह नुकसानदायक पौधा नहीं है, इसके अंदर कोई बहुत जहरीला पौधा नहीं है, परंतु हमने ऐसा सुना है कि यदि इसके रस को बहुत ज़्यादा हम पी लें तो ये नशा भी करता है। थोड़ी मात्रा में किसी भी तरह का नशे वाली बात नहीं है, तो इसीलिए कर्ण रोगों में इसके पीले पत्तों को
आप उसको थोड़ा गर्म करके मसल करके कान में डालते हैं, तो उससे आपके कर्ण संबंधी रोगों को दूर करने में या उससे मुक्ति पाने में इससे पूरा आपको मिलेगा सहयोग। इसके अलावा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा पथरी के लिए यह एक बहुत ही रामबाण औषधि है, बहुत ही दिव्य औषधि है। यहाँ तक हमने पाया है कि जो पित्ताशय की पथरी है, गाल ब्लैडर की जो स्टोन है, वहाँ से पित्ताशय से पथरी निकलने की कोई जगह नहीं होती है, परंतु यदि छोटी पथरियाँ हैं, मल्टीपल गाल स्टोन्स हैं या छोटी छोटी स्टोन्स हैं, पथरियाँ हैं, उन पथरियों को दूर करने के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। जिनको पथरी की शिकायत हो, आप यदि नियमित रूप से पत्थर चट्टे के 2-3 पत्तियाँ प्रतिदिन प्रातः स्वयं चबा करके या इसको पीस करके इसके रस का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से पथरी खत्म हो जाती है। ऐसा हमारा अनुभव है, ऐसा हमने बहुत सारे रोगियों में प्रयोग कर करके पाया है। इसके अतिरिक्त किडनी स्टोन के लिए भी यह बहुत ही दिव्य औषधि है। यदि पत्तियों को पीस करके उसका रस निकाल करके प्रातः सायं यदि आप करते हैं इसका सेवन, तो उससे भी मिलेगी आपको पथरी से मुक्ति। हालांकि हमने ऐसा देखा है, पथरी चाहे छोटी भी हो, जब वो पथरी कहीं यूरिनरी ब्लैडर में अटक जाती है या कभी कुछ हिलने से वो पथरी साइड में आती है, तो भयानक पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, क्योंकि हमारे ही आश्रम में श्रद्धेय संत मुक्तानंद जी महाराज को अभी पथरी का भयानक दर्द उठा। 2-3 रात को हम सब लोग परेशान रहे, क्योंकि जो भुक्त भोगी होते हैं वह उस पीड़ा को ज़्यादा समझ पाते हैं, या तो घर में कोई बीमारी होती है तब उस बीमारी के दर्द का पता चलता है, या स्वयं को हो जाए तो वह तो अविस्मरणीय बन जाता है। उनके दर्द को देख करके तो हम पीड़ा से ग्रसित हुए। फिर हमने को अल्ट्रासाउंड करवाया तो बहुत बड़ी पथरी नहीं थी, पीड़ा इतनी अधिक थी कि हमने उनको हॉस्पिटल में चिकित्सक के सहायता से बहुत सारे दर्द निवारक इंजेक्शन और औषधियाँ भी दी, फिर भी तड़पते थे, कहते थे किसी तरह से इसको निकाल दो। हमने सोचा कि हम इनको आजकल जो लेप्रोस्कोपी जो सिस्टम है कि उसको पथरी को तोड़ करके निकालने वाले ज़्यादा हों, नुकसान भी ना पहुँचाए। हालांकि बड़ी पथरी टूट करके निकलने में परेशानी करती है, तो छोटी थी। हमने चिकित्सक से परामर्श लिया, माननीय हमारे डॉक्टर अग्रवाल जी से बात की, तो वो कहने लगे कि आचार्य जी हम निकाल देंगे, हमारे पास सारे साधन हैं, परंतु यदि प्रकृति अपना काम प्राकृतिक रूप से कर सकती है तो करने देना चाहिए। वास्तव में एक योग्य चिकित्सक की यह एक उत्तम बात थी, क्योंकि पथरी वह सिर्फ 8 mm की एक किडनी में और 4 mm की एक किडनी में थी, और हमने पाया है कि 12 mm तक की पथरियाँ, पर मैं कहता हूँ कि 4-5 mm की पथरियाँ यदि हैं, 7-8-10 mm तक की भी हैं, यदि आपको पीड़ा हो रही हो, उस पीड़ा से मुक्ति के लिए आप किसी भी तरह के दर्द वाली जो औषधियाँ हैं उसको आप ले सकते हैं, परंतु आप सर्जरी की जगह पर यदि इन पत्थर चट्टे का नियमित रूप से सेवन करें। और एक हम औषधि और बनाते हैं, अश्मरी हर रस और अश्मरी हर क्वाथ, उस काढ़े को प्रातः सायं उबाल करके पिएं, और उस पाउडर वाली दवाई को सुबह शाम आप सेवन करें, तो पथरी निकल जाती है, किडनी की पथरी तो निश्चित रूप से निकल जाती है। पत्ते और प्राणायाम से आपको पूरा लाभ मिलता है। जो हमारी विज्ञान की कसौटी पर जो योग पुस्तक है, उस पर भी हमने इस तरह के जो पित्ताशय के और किडनी के जो स्टोन निकले हैं, उन रोगियों के पहले के और बाद की रिपोर्टें उसमें भी दी हुई हैं। ये बिल्कुल प्रामाणिक प्रयोग हैं, इसका आप प्रयोग करिए। दर्द होता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ये पत्थर चट्टा के पत्ते बीपी को भी कंट्रोल करते हैं। जब मैंने देखा कि किडनी में पथरी की वजह से पीड़ा होती है तो बहुत ही ज़्यादा बीपी भी बढ़ने लगता है। ये जिनका वैसे भी बीपी बढ़ा हुआ है, यदि वो नियमित रूप से इन पत्थर चट्टे की 2-3 पत्तियों का सेवन करते हैं तो उससे उनको मिलेगी बीपी से मुक्ति। जिनको पेशाब कम होने की शिकायत है, उनके लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। यह आपका पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टे के 2-3 पत्तियों का यदि आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो पेशाब खुल के होने लगेगा, इससे पथरी में पूरा लाभ मिलेगा, पथरी निकल जाएगी, अंदर का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा,
और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको पथरी की शिकायत होती है, मैंने ऐसे भी रोगी देखे हैं जिन्होंने अपनी पथरी का कई बार ऑपरेशन भी कराया, ऑपरेशन करवा करके उसको निकलवाया भी, फिर भी वह पथरी बनती ही जाती है। तो यह पत्थर चट्टे का पत्ता सिर्फ पथरी को ही नहीं ख़त्म करती है, पथरी जो बनने के कारण हैं उन कारणों को भी ख़त्म करती हैं। औषधियाँ, बाकी दवाइयाँ या हमारे चिकित्सक बंधु सिर्फ आपको पथरी से मुक्ति दिला सकते हैं, पथरी बनने के कारणों से कभी भी मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, परंतु इस पत्थर चट्टे का पत्ता आपको दिलाएगा पथरी बनने के कारण से भी मुक्ति। तो यह एक दिव्य और बहुत ही उत्तम पौधा है, इसको आप अपने घर आंगन में लगाइए। यदि घर आंगन में पहले से लगा हुआ है तो अब से सिर्फ यह एक प्रदर्शनी और सुंदरता का पौधा मात्र नहीं है, यह एक औषधीय पौधा है। इस रूप में हम इसका प्रयोग प्रारंभ कर दें, बहुत ही उत्तम पौधा है, बहुत ही गुणकारी पौधा है। इसके अलावा यह अत्यंत पीड़ाहर भी है, दर्दनाशक भी है। जिनके हाथ पैरों में कहीं भी सूजन रहती हो, जिनको दर्द रहता हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, उनके लिए जैसे ये पत्ते हैं, इन पत्तों को थोड़ा गर्म करके और कोई भी दर्द वाला तेल को लगा करके यदि इसको बांध लेते हैं, बांधने मात्र से सूजन में पूरा लाभ मिलेगा, दर्द से मिलेगी मुक्ति। हमने तो यहाँ तक पाया कि नित्य प्रति इस पत्थर चट्टा के इस पर्ण बीज के पत्तों को बांध भी सकते हैं। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, दर्द से मुक्ति के लिए पत्तों को आप बाहर बांध भी सकते हैं। और जिन मेरी माताओं बहनों को स्तन में गांठ यदि प्रारंभ हो चुकी हों, तो क्योंकि स्तन की गांठें बाद में कैंसर में न परिवर्तित हो जाए, मेरी माताएं बहनें बहुत भयभीत रहती हैं। और देश के अंदर जितने भी तरह के कैंसर पाए जाते हैं उसमें सर्वाधिक स्तन कैंसर की शिकायत है, तो उससे बचने के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। जिन मेरी माताओं बहनों को स्तन में गांठ हों, स्तन के गांठों के लिए भी आप इस पत्ते को स्तन पे बांध लेती हैं तो मिलेगी स्तन गांठ से मुक्ति, आप बच पाएंगे कैंसर जैसे भयानक रोगों से। उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इसका आप प्रयोग करें, इसको लगाएं, इसके रसों को सेवन करें। जिन मेरी माताओं बहनों को लिकोरिया की शिकायत है, बहुत तरह के महंगे महंगे ट्रीटमेंट और डॉक्टर के पास जाती हैं फिर भी ठीक नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। जिन पुरुषों को जो प्रमेह का रोग होता है, जिन मेरी माताओं बहनों को प्रदर की शिकायत है, तीन पत्थर चट्टे के पत्तों को पीस करके इसके 2-3 चम्मच रस को प्रातः सायं सेवन करें, इससे पुरुषों को जो प्रमेह का रोग होता है उसमें भी इससे लाभ होता है और माताओं बहनों की लिकोरिया में भी इससे पूरा लाभ मिलता है। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है और जिनको घाव वगैरह है उस घाव में भी इससे पूरा लाभ मिलता है। यदि आप इसको उबाल करके घाव को धो देते हैं और उसको बांधते भी हैं तो घाव जल्दी भरने में इससे सहयोग मिलता है। एक इसकी विशेषता मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक एक औषधि के इतने सारे गुण हैं, थोड़े से समय में अधिकतम गुणों को बताना है, इसीलिए कभी कभी कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, कभी कभी बहुत सारी बातें मन में भी रह जाती हैं। तो एक इसकी जो विशेषता है, यदि कोई कहे कि औषधि में कितनी शक्ति है, औषधि के क्या गुण हैं, क्या आयुर्वेद की दवाइयों में फ़र्क है, तो मैं उन भाइयों के समाधान के लिए एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि इस पत्ते को प्रातःकाल यदि आप खाली पेट बिल्कुल सुबह के 5-6-7 बजे तक आप इसका सेवन करते हैं तो इसका जो स्वाद है वह थोड़ा सा खट्टा नमकीन सा लगेगा, हल्का खटास लिया हुआ नमकीन सा होगा। और यदि आप दिन में सेवन करते हैं तो बिल्कुल फीका सा लगेगा, यदि सायंकाल सेवन करते हैं तो थोड़ा सा कशेलापन लिया हुआ होगा और उतना वो खट्टापन नहीं होगा। यह आप प्रयोग करके देख सकते हैं, प्रातः काल इसका स्वाद अलग होगा, मध्यान्ह में अलग होगा, रात्रि को अलग होगा। ये एक ऐसा पौधा है और इसका बहुत सारे लोग जो पकोड़े के शौकीन हैं, हालांकि अभी बारिश का मौसम है, हम बैठे हैं बरसात में, लोग कहते हैं बरसात में पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे पेट को ख़राब भी करते हैं, तो कभी कभी खाएं भी कोई बात नहीं, पर यदि खाते हैं तो इस पत्थर चट्टे के पत्ते का भी आप पकौड़ा बना करके सेवन कर सकते हैं। इसके पकौड़े आपके पेट को ख़राब नहीं करेंगे, भूख को कम नहीं करेंगे, भूख को बढ़ाने के लिए और पेट को ठीक रखने के लिए भी इससे आपको सहयोग मिलेगा। पर मैं कोई पकौड़े की प्रशंसा करते हुए आपको पकौड़े की ओर प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, पर कभी खाने का मन करें तो आप पत्थर चट्टे के पत्तों का पकौड़ा भी खा सकते हैं। पालक पकौड़ा, आलू पकौड़ा, मिर्च के पकौड़े, साथ में एक
पत्थर चट्टा, इसका जो पाषाण भेद है, यह पर्णबीज है, ये हमारा ये हिम सागर है, ये जख्म हयात है, इसके पत्तों का भी आप सेवन कर सकते हैं। ये आराम से खाया जा सकता है, ये कोई जहरीला पौधा नहीं है, किसी तरह से इसे नुकसान नहीं है, तो इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। यह आयुर्वेद का एक दिव्य औषधि है, जिनको उल्टी की शिकायत होती हो उनको भी एक दो चम्मच रस दे सकते हैं, उससे उल्टी में भी फर्क पड़ेगा। मूत्र कृच्छ्र में जिनको कम पेशाब होता है, जिनको पेशाब खुल करके नहीं होता है, उनको भी आप इसका प्रयोग कराइए। आइए इस हिमसागर के सागर जैसे गुणों से हम ज्ञानवान बने, अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करते हुए आयुर्वेद की रक्षा के मिशन में स्वयं संलग्न होकर औरों को स्वस्थ बनाएं, और इस देश के इस माटी के ऋण से हम उऋण हों, इस मातृभूमि के ऋण से हम उऋण हों, यही प्रभु से प्रार्थना और आपसे यही हमारी चाहना। फिर हम आपके लिए एक और पौधे को लेकर हाजिर होंगे आपके साथ कल इसी समय पर।